माधव सभी को सो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो कैसी गई आप सबकी होली? कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो, और लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में ये भी बताना, देन प्रेजेंट दे देना कि हाँ हम प्रेजेंट हो गए। देन जो मेरे चैनल पर न्यू हो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और मैं आप सबकी विदु शर्मा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो जो मेरे चैनल पर नहीं हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना, जिससे कि ना तो वीडियो पर नोटिफिकेशन आए। और पता है मोटिवेशनल वीडियो डालने का तो दो ही मोटिव है मेरे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं टीचर हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें पढ़ाई नहीं होती, क्या रीज़न है? तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पढ़ाई के साथ ही, कैसे हम क्या ही मतलब एक्सप्लेन करूँ। तो इस वजह से मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनानी स्टार्ट की है। अगर आपको अच्छी लग रही हो, मतलब आपके साथ ऐसा होता हो, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर देना। देन जिसका भी मुझे कमेंट अच्छा लगेगा, शॉर्ट आउट ज़रूर दिया करूँगी मैं आपसे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कमेंट रीड करना। सो इसीलिए तो चलो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। खैर इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, फैक्ट्स के साथ होगी। गाइज, एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगा कर पढ़ना, क्योंकि पढ़ना तो पढ़ना होता है। हाँ, अगर आप मन लगा कर पढ़ते हो, हम उसको भी बोल सकते हैं जब घंटों तक किताब सामने खुली हो और हम, लेकिन ध्यान से मन लगा कर पढ़ने का मतलब है कि तुम जितनी देर किताबों के सामने बैठे हो, तुमने उतनी देर में कुछ ना कुछ याद किया है, या फिर कुछ ना कुछ रिवाइज किया है, या फिर कुछ ना कुछ आउटपुट निकला है। सच में अगर कुछ करना चाहते हैं ना लाइफ में, तो सबसे पहले आपको यह जो किताब सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और बाकी सबको धोखा दे रहे हो, इसको ना इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें खुद का स्टडी सिटिंग टाइम ऐसा रखो जिसमें जितनी देर पढ़ाई करो, उतनी देर सिर्फ पढ़ाई ही करो। उस वक्त लोगों की बातें या फिर दोस्तों का लालच, ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने टारगेट को लेकर डिटरमाइंड रहोगे, तभी तुम्हारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। तुम डिटरमाइंड रहोगे, उसके बाद कोई कुछ भी कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बाद बिल्कुल तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो, क्योंकि अगर तुमने खुद ठान लिया ना तुम्हें यह करना है, तो फिर कोई भी तुम्हें वो अचीव करने से नहीं रोक सकता। बेशक तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए, किसी की भी निगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा काम है लगातार पढ़ाई करना और गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। बस उसके लिए मेहनत करते रहो। जिस दिन मन हारने लगे ना, उस दिन अपने आप से पूछना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो पूरा ज़रूर होगा। अपनी पूरी जी जान लगा दो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वह दूसरों को नीचा गिराने के लिए ना की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा। जिन्होंने संघर्ष नहीं देखा और किया नहीं, वह कभी भी तुम्हें कोई निगेटिव कमेंट नहीं देंगे। बस में इतना ही होना चाहिए कि जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, हासिल करो उसको। बस में इधर उधर की बातों को तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में, नॉर्मल सी बात है, किसी भी एग्ज़ाम में टॉप रैंकर बनाना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। बस हमारी ही कोशिश है टॉपर बनाना, इसलिए लगातार बिना रुके थके सपने टारगेट को बिना भूले अगर मेहनत करनी है। टॉपर बने इसलिए लगातार बिना रुके थके अपने टारगेट को बिना भूले अगर मेहनत करनी है। खुद को एक रूटीन सेट करना होगा, खुद को एक टाइम टेबल में बांधना होगा, खुद को डिसिप्लिन रखना होगा। इसमें सबसे पहला काम है तुम जहाँ पढ़ रहे हो वो जगह सूटेबल हो। आपकी पढ़ाई आपकी सराउंडिंग पर डिपेंड करती है, इसलिए यह सही जगह का सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाने के लिए अच्छी मतलब एक होता है एक अच्छी जगह, मतलब जहाँ पर शोर शराबा ना रहो, बहुत ज़रूरी है ना तो नॉइज़। अगर तुम अपनी पढ़ाई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, शोर शराबे वाली जगह कर रहे हो, तो तुम डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होंगे। आपका ध्यान डाइवर्ट होना एक नॉर्मल बात है, इसलिए जिस टेबल चेयर पर बैठ कर आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें और सामने की दीवार पर लिखा
कर के पढ़ाई करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए जिसमें तुम्हें उसे भूल ना पाओ, क्योंकि हमारा माइंड हमें बहुत बहुत कहते हैं ना, बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में डाल देता है। वो तुम्हें यह भी कहेगा कि भाई सो के पढ़ ले, मतलब सो जा, अब थक चुका हूँ, आराम कर ले, कंबल ओढ़ ले, लेकर। लेकिन तुम्हें अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि अगर मैं इस जगह से हट के दूसरी जगह बैठ कर के पढ़ूंगा ना, तो मैं ज़रूर डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, सिर्फ किताब खोल के बैठा रहूंगी, टाइम वेस्ट करूंगी, प्रिपेयर करूंगी या खुद को, जब थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा ना तो मैं पढ़ाई ज़रूर कर पाऊंगी। और जब भी हम आराम से पढ़ाई करने का सोचते हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आराम ही आराम है। बस दूसरी बात, अब आप पढ़ाई करते तो बैठ गए हो, नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो यह है कि तुम्हारे पास पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का टारगेट होना चाहिए, उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए, तुम्हें कितने दिन में क्या कवर करना है। जब तक तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं होगा तब तक तुम्हारा माइंड को पता नहीं होगा कि वो यहाँ टेबल चेयर पर बैठकर क्या करना है। इसलिए एक एनवायरनमेंट के बाद एक अच्छा और सही टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक अच्छा टाइम टेबल एनवायरनमेंट होगा तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो। टाइम टेबल ऐसा ना हो कि वो आपको स्ट्रेस में डाल दे, टाइम टेबल ऐसा हो कि आपको रिलैक्सेशन भी मिले और आपके माइंड को भी आराम से उसे कवर कर सके, बोझ मत डालना अपने माइंड पर। क्योंकि जैसे आप गाने सुनते हो ना, ऐसे ही अगर आप पढ़ाई को बहुत स्वीटली ले लो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, वो आउटपुट नहीं आ पाता जो आपको, मतलब जो चीज़ आप बहुत समझते हो उसमें आउटपुट नहीं आ पाता, असली पावर है। इसलिए ईजी वे में अपना टाइम टेबल बनाकर खुद को छोटे छोटे से टारगेट्स दो कि आज मुझे ये चैप्टर क्लोज करना है, मतलब अच्छे से रीड करके अच्छे से कंप्लीट कर देना है। देन जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक बार जो छूट गया हो तो वो वापस नहीं आता, जैसे कि फिर दोबारा जीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। बात चाहे नंबर की हो, तीन एनालिसिस टाइम टेबल की बात, टूडे लिस्ट के। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस माई चैनल और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अमेजिंग अमेजिंग वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच। और मैं आज शॉर्ट आउट देने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसका भी मुझे कमेंट अच्छा लगेगा देन इससे रिलेट होना चाहिए। चलिए तो मिलते हूँ मैं नई वीडियो के साथ में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में, देन मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ में। So bye, take care all of you.